दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशन को जो बैन कर दिया इंडिया के अंदर, जो सारे के सारे चाइनीज एप्लीकेशन थे। लेकिन चाइनीज एप्लीकेशन होते हुए कुछ ऐसे एप्लीकेशन तो थे जो हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा थे, हमें काफ़ी ज़्यादा काम आते थे। जैसे कैम स्कैनर हो गया, जैसे यूसी ब्राउज़र में फास्ट डाउनलोड हो गया, या टिकटॉक एप्लीकेशन हो गया, जो लोग काफ़ी फेमस होते थे, फेम भी कमाते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 59 एप्लीकेशन को अगर अनइंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में, ये तो करना ही पड़ेगा, तो उनके जगह पर आप कौन सा एप्लीकेशन कब अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो जो नॉन चाइनीज होगा। दोस्तों, अगर आप इस टाइम वीडियो देखोगे तो सिर्फ आपको YouTube में एक ही चीज़ दिखाया जाएगा, 59 एप्लीकेशन बैन। लेकिन आपको कोई ऐसा सलूशन नहीं बताएगा जो उन ऐप के जगह आप कौन सा एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जितना हो सके मैं ऐप का आपको बताने वाला हूँ। अब अगर आप इस वीडियो में अगर पूरा देखते हो तो मैं आपको बताऊँगा उस चाइनीज ऐप के अलावा कौन से एप्लीकेशन है जो आप डे टू डे लाइफ में सेम टू सेम आप वर्क में ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को मैं बनाने में और एप्लीकेशन को ढूंढने बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को जरूर दबा दो। ऑलराइट गाइस, अगर आप एक्सजेंडर या सैरिट का यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मूवीज़, वीडियो, सॉन्ग किसी भी प्रकार के, तो इसका मैं एक अल्टरनेटिव आपको ऐप देने वाला हूँ जो है गूगल की तरफ से फाइल गो, और बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। और इससे आप सेम टू सेम एक्सजेंडर या सैरिट की तरह ही फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये ट्रस्टेड बाई गूगल है, जो बिल्कुल गूगल की तरफ से बनाया गया है। और अगर किसी भी ऐप को गूगल की तरफ से बनाया गया तो आपको पता है इसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, आपको किसी प्रकार के डेटा बिल्कुल लीक नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप फोटो के लिए यूज करते हैं ब्यूटी प्लस या यू कैन मेकअप, अपने फोटो को क्लीन करने के लिए या सेल्फी खींचते उसको एक अच्छे से बनाने के लिए, तो आप शायद ये दोनों ऐप का यूज करते हैं जो बिल्कुल चाइनीज एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन को ही इंडिया ने बंद कर दिया है। तो इसके अल्टरनेटिव मैं आपको बहुत ही कमाल का दो एप्लीकेशन देने वाला हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, और सारे यूट्यूबर भी इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसका मैं अल्टरनेटिव एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो B612 बहुत ही कमाल का है। इससे आप DSLR मोड की तरह फोटो खींच सकते हैं, और अगर इससे भी अगर आप फोटो को एडिटिंग करेंगे तो उन एप्लीकेशन से अच्छा ही आपको एडिट करके देगा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर PicsArt को कहूँगा, PicsArt एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन लगभग हर कोई यूज करते हैं अपने फोटो को अच्छे से एडिटिंग करने के लिए, अच्छे फोटो को अच्छे नेक्स्ट लेवल के देने के लिए। अगर आप यूसी ब्राउजर का यूज करते हैं फाइल को फास्ट डाउनलोड करने के लिए, तो इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ऐप देने वाला हूँ जो है जियो की तरफ से जियो ब्राउजर। शायद आपको पता नहीं है जियो की तरफ से एक ब्राउजर लॉन्च किया है जो बहुत ही कमाल का, बहुत ही फास्ट ब्राउजर है, और ये जियो की तरफ से आपको पता है ये बिल्कुल इंडिया का है। इसके अलावा अगर जियो ब्राउजर आपको पसंद नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं गूगल क्रोम, जो आपके फ़ोन के ही डिफॉल्ट में आपको देखने को मिल जाता है, और जो बिल्कुल गूगल की तरफ से, और ये जियो ब्राउजर आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल जियो की तरफ से, और जियो कॉर्पोरेशन यानी इंडिया का ही एप्लीकेशन है, तो आपको पता है डेटा का किसी प्रकार का इशू नहीं हो सकता। तो इस एप्लीकेशन का अगर आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और ख़ास बात यह है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही बिल्कुल इंडिया का, ना ही किसी दूसरे देश का है। तो आप चाहे तो इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं बड़े बड़े फाइल को डाउनलोड करने के लिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन बात करें कैम स्कैनर, अगर आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, तो इसके अलावा मैं आपको इसके एक अल्टरनेटिव बहुत ही मस्ट एप्लीकेशन देने वाला हूँ, और ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट टेस्टेड में बताने वाला हूँ। अगर इस एप्लीकेशन का आप अभी अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया। तो इसके अल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन देने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस PDF स्कैनर, जो इसका आप रेटिंग देख सकते 4.7 है, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो आपको पता है इसका सिक्योरिटी कैसा होगा। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जो बड़े बड़े यहाँ पर ऐप या सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो बहुत बड़ी कंपनी है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, और सेम टू सेम आपको कैम स्कैनर की जैसा ही आपको फीचर देखने को मिलेगा, और फाइल को यहाँ पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, उसका PDF कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से, जो एक बहुत ही मस्ट एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं भाई, जो हमारे सबसे प्यारे एप्लीकेशन जो था टिकटॉक। अगर आप टिकटॉक को नहीं यूज करना चाहते, जैसे इंडिया में बंद कर दिया है, तो इसके अल्टरनेटिव एक एप्लीकेशन आने वाला है या आ गया है गूगल के प्ले स्टोर में, जिसका आपको मैं अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम है रूपोसो या रूपोसी, आप जो भी कह सकते हैं। ये टिकटॉक के अलावा इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर दबा किया जा रहा है इंडिया का, लेकिन कितनी हद तक इंडिया का मुझे अभी पता नहीं, लेकिन इसका मैं सर्च करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये इंडिया का है कि नहीं। तो लगभग मुझे पता है सारे लोग कहते हैं इंडिया का, तो शायद ये इंडिया का ही हो सकता है।
उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको जरूर सभी दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि शेयर करना जरूरी है इस वीडियो को, ताकि सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में पता चले। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को दबा दो, और घंटी को दबा देने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, जो आपको काफ़ी नॉलेज में देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।